किसान भाई नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार द्वारा एसएलएस एनिमल साइंस टेरी के आईसीआरसी का रिवॉर्ड हुआ। तो आज हम इब्राहिमपुर रंगकनी गांव आए हैं। तो आज हम बाईपास पैक क्या चीज़ होता है, उसको गिराने के बाद क्या सक्सेस किसानों को सक्सेस मिला, ये सब हम किसानों के द्वारा ही सुनना चाहते हैं। तो मैं एक मिनट लेना चाहता हूँ। तो बाईपास फैट क्या चीज़ होती है? तो बाईपास फैट जो है आईसीआरसी कैरी ओल्ड गोवा इनके शास्त्रों के द्वारा डेवलप करा है। तो ये जो बाईपास फैट है तो उसमें ये एक कैल्शियम का अच्छा सोर्स है और फैट का अच्छा सोर्स है। तो जो भी आप पीछे देख रहे हैं यही परिस्थिति सब गोवा में दिखती है। तो हर एक किसान भाई के पास ज़्यादा करके एचएफ क्रॉस ब्रीड है, तो उसमें क्या है, दूध अच्छा है लेकिन फैट परसेंटेज कम है। और जो भी है गाय बहने के बाद गाविंग के बाद जो भी है एक्चुअली 3 से 4 महीने में प्रेग्नेंट होना है, तो वो नहीं होके थोड़ा सा आगे जाता है, 4 महीने 5 महीने वैसा। तो एक प्रकार ये किसानों को लॉस है। तो एक जो बाईपास फैट है वो अगर खिलाए तो एक तो 10 से 15% दूध में बढ़ोतरी होगी और फैट में 0.5 to 1% फैट भी बढ़ेगा। और जो भी है वो कंसेप्शन रेट जो बराबर गाय जो है गर्मी में आएगा, 3 महीने से 4 महीने में गर्मी में आके वो प्रेग्नेंट होगा। तो यही सक्सेस स्टोरी है हम अभी आज किसानों के द्वारा सुनना चाहते हैं। तो ये जो है प्रोग्रेसिव फार्मर, इनका नाम है सुधीर दावस्कर। सुधीर जी बोलिए, आपके गाय आपने जो है बाईपास फैट खिलाया है उसका रिजल्ट कैसा है हम सुनना चाहते हैं। जो हमको बाईपास फैट आईसीआर से मिला है उसको हमको बहुत फायदा हो गया है। जो पहले ही साल हमारा गाय बच्चा दिया था तभी वो गाय फैट उसका बहुत कम लगता था, जब हमको बाईपास फैट डाला तभी से हमारा जो फैट 5.2 था, सॉरी 3.4 था, वो अभी हमारा फैट बढ़ के 4.5-4.6 ऐसा हो गया है। और उससे हमको बहुत फायदा हुआ, पैसा भी हमारा बहुत बढ़ गया है, 5-6 रुपया उससे हमको फायदा मिल गया है। तो एक लीटर के हिसाब से 5-6 लीटर एक जानवर के पीछे कम से कम 50 से 60 रुपये आपको फायदा हो रहा है। तो दूध में कैसा बढ़ोतरी हुआ है? दूध में भी पहले कितना देता था? पहला हमारा 12 लीटर जो गाय दूध देता था, तो ये साल हमारा गाय कम से कम 1.5 लीटर से ज़्यादा दूध हमको मिला है, तो उससे भी हमको पैसों से भी फायदा मिल रहा है। और जो गाय जो प्रेगनेंसी का बहुत तकलीफ था, तो ये जो बाईपास फैट डालने से हमारा गाय गर्मी में टाइम पे टाइम आने लगा, एक दो महीने 2.5 महीने में गाय गर्मी में आया और वो प्रेग्नेंट, हमने जो आर्टिफिशियल क्रॉस किया तो वो भी प्रेग्नेंट बोल हो गया, इसके लिए भी हमको बहुत फायदा हुआ है। और साल में गाय हमारा प्रेग्नेंट होकर बच्चा दिया। मसे गौस जी अपने साथ है प्रोग्रेसिव फार्मर, उनके वो भी अपने गाय में बाईपास फैट खिलाया है। तो उनसे हम जानना चाहते हैं कि मसे जी आपका एक्सपीरियंस कैसा है, जो भी सुनिए सुधीर जी कह रहे हैं उससे सहमत है? मैं सुधीर से सहमत हूँ क्योंकि मेरा भी फायदा हुआ है। 3.5 जो फैट टेस्ट लगता था अभी 4.5 हुआ, 1 लीटर से 1.5 रुपया तक मेरा फायदा हुआ। और दूध में भी बढ़ोतरी हुई है, जो गाय 10 लीटर दूध देती थी अब 12 लीटर देने लगी है। अब प्रेगनेंसी भी फायदा हुआ है, हर एक टाइम पर वो अभी प्रेगनेंसी होती है और वो भी मेरे को फायदा हुआ है। और हमारे साथ अभी सुनील जी है सुनील हरिजन, उनके पास भी 2 गाय हैं। तो उनके पास अभी सुधीर जी बाईपास फैट खिलाने से पहले फैट परसेंटेज कितना था और बाईपास फैट खिलाने के बाद कितना हुआ? पहले बाईपास फैट 3.5 था, अभी डालने के बाद 4.5 हुआ। वेरी गुड। और दूध में कैसा बढ़ोतरी हुआ, पहले दूध कितना था और अभी दूध कितना है? अब पहले दूध 10 लीटर था, अभी 12 लीटर। तो और सबसे मेन चीज अभी जो फार्मर का हम सुनते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बोलो तो जो भी है सबके पास क्रॉस ब्रीड है, उसमें दूध अच्छा है लेकिन फैट कम है। तो ये सबका कहना है कि बाईपास फैट अगर दिया तो दूध में बढ़ोतरी होती है, उसके साथ फैट परसेंटेज बढ़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कंसेप्शन रेट अच्छा होता है। और जो भी 3 से 4 महीने का जो बहने के बाद जो 3 से 4 महीने में गर्मी में आना है वो सब बाईपास फैट की वजह से हो रहा है, उनके एनिमल प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो सभी सब खुश हैं।